अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन जुबैर अहमद अंसारी के अंसार कबीला को मुत्तहिद करने के लिए मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों के दौरों का सिलसिला जारी। मरकजी चेयरमैन अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान जुबैर अहमद अंसारी ने सीनियर वाइस चेयरमैन हाजी मुजफ्फर अंसारी की क़यादत में फैसलाबाद का अहम दौरा किया। चेयरमैन अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान फैसलाबाद हिदायत अंसारी के डेरे पर होने वाली तकरीब के मौके पर तंजीमी अमूर समेत अहम मामलात पर तफसीली मुशावरत की गई, जबकि तकरीब में 5 नवंबर को लाहौर में होने वाले अजीमुशान अंसार कन्वेंशन के इंतजाम के हवाले से भी तफसीली मुशावरत की गई। फैसलाबाद में होने वाले इजलास के मौके पर मरकजी चेयरमैन अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान जुबैर अहमद अंसारी, अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर वाइस चेयरमैन हाजी मुजफ्फर अंसारी, साबिर हुसैन, शौकत चिश्ती, शफात अंसारी, बाबा चिड़ी साई समेत दीगर शख्सियात तकरीब के मौके पर मौजूद थी। तकरीब के मौके पर मरकजी चेयरमैन जुबैर अहमद अंसारी का कहना था कि पाकिस्तान भर की अंसारी बिरादरी को AMM की सूरत में एक मुनज्जम और मुतहर्रिक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया गया है। AMM के प्लेटफॉर्म से अंसार कबीला की फलाह बहबूद के लिए देरपा इकदामात बरुए कार लाए जाएंगे, जिसके लिए मुल्क भर में तहसील सतह पर तंजीम साजिश समेत ओहदेदारान को जिम्मेदारियाँ सौंप दी गयी है। जुबैर अहमद अंसारी का मजीद कहना था की 5 नवंबर को लाहौर में होने वाला अंसारी कन्वेंशन अंसार कबीला के हवाले से एक तारीखी कन्वेंशन होगा, जिसमें मुल्क भर से अंसार बरादरी भरपूर शिरकत करके आपसी इत्तेहाद और इत्तफाक की आला मिसाल कायम करेंगे।